नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज हम हैं आपने स्टूडियो में और हमारे साथ हैं मनोज जी। इनकी क्या तकलीफ है, इनको इनसे ही हम जानेंगे क्या मामला है। चूंकि विभाग में हम लोगों ने 10 साल काम किया, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, किस विभाग में? बिजली विभाग में हम लोगों ने 10 साल सेवा दिया है, मीटर रीडर के रूप में, जिसमें हम लोगों का पोस्ट था RRF। और इस दरमियान हम लोगों ने धूप छांव, बरसात गर्मी सब की परवाह न करते हुए, यहाँ तक कि कोरोना काल की भी परवाह न करते हुए, बिजली विभाग को जीरो से हीरो बनाने के लिए हम लोग अथक प्रयास किए। जब हम लोगों को फल खाने की बारी आई तो बिजली विभाग प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर हम सारे RRF भाई और MRC भाइयों को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने जा रही है, जिससे हमारे परिवार में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हमारे बूढ़ बुजुर्गों की दवा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम लोगों ने अपना पूरा योगदान बिजली विभाग में 24 आवर दिया और इसी से हम लोगों का काम चलता था। आज स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो विभाग में हम लोगों को किसी अधिकारी से कोई गिला शिकवा नहीं है, नहीं हम लोगों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से कोई शिकायत है। गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लागू करें, हम इसमें सहयोग करते हैं, लेकिन हमने जो अपना 10 साल अपनी पूरी जवानी जो बिजली विभाग को दिया है, तो हम सारे लोगों का बिजली विभाग समायोजन करे और हम लोगों से काम ले। आज के डेट में हम कहीं वैकेंसी भी भरने के लायक नहीं है, तो आज के डेट में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार हम लोगों पर विचार करे, अगर विचार नहीं करती है तो आज 15/3/2024 से हमारा पूरा बिहार प्रदेश और उसके साथ मेरा पश्चिमी चंपारण जिला इकाई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके बाद हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपने इस मामले में कहीं आवेदन दिया है? हमने राज्यपाल, हमारे संगठन के द्वारा राज्यपाल, माननीय महामहिम राज्यपाल, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ तक कि दोनों हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को, विद्युत विनियामक बोर्ड को और विभाग के सारे आला अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया है और ज्ञापन दे दिया है। क्या लगता है कि आपका जो आगे निर्णय जो अगर नहीं निकलता है, आपकी जो मनसा है वो अगर पूरा नहीं होती है तो आगे क्या कदम होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं ही, इसके बाद हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। जैसे भी है, सरकार हम लोगों को जवाब दे कि हम लोगों के बारे में क्या सोच रही है। जब तक हम लोगों के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेगी सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। 2013 से आप काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, ठीक है? 2013 से आप अभी तक क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ आपको? 2013 से काम करते थे, हमारी ज्वाइनिंग 2016 की है, तो हम लोगों ने विभाग को अपना विभाग समझकर, यहां तक कि जिस समय बिजली विभाग को मालूम नहीं था कि हमारा कौन सा उपभोक्ता कहां का है, तो उस समय हम लोगों ने तपती धूप में भी सारे उपभोक्ताओं को श्रृंखलाबद्ध करने का काम किया, बिजली विभाग का कहीं चोरी ना हो, तो इसके लिए हम लोग गांव-गांव घूम-घूम कर प्रहरी की तरह काम किए। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर आया तो हम लोगों को लगा कि बिजली विभाग प्रगति पर है, हम लोगों की भी प्रगति होगी, लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हुआ। बिजली विभाग अपनी महत्वाकांक्षी योजना को तो लागू कर दिया, लेकिन हम लगभग 20,000 RRF और MRC जो हैं पूरे बिहार में, जो कि बिजली विभाग को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया, उसके बारे में बिना सोचे समझे बिजली विभाग जो यह काम कर रही है वो अमानवीय है। इस अमानवीय नीति के चलते हम लोग रोड पर आ जाएंगे और इसलिए हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हम लोगों के लिए, हम लोगों के भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आपको 2013 से लेकर के अभी तक जो है बिजली विभाग आपको रखती थी, अब जो है वो रखना नहीं चाहती है, ठीक है? तो अब मतलब कि आपने तो सब जगह आवेदन दे दिया है। हाँ। अगर आपका निर्णय नहीं निकलता है
अगर नहीं हो पाता है तो आगे मतलब कि क्या करना चाहते हैं? हम आपसे बताए ना कि हम लोग मजबूर कर देंगे सरकार को, सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम जनता का होता है, और हम लोग बिहार के कोई भी पंचायत नहीं है और कोई भी पंचायत का कोई पब्लिक नहीं है जिससे हम लोगों का गुड रिलेशन नहीं है। कितना मतलब कि आरआरएफ और आपके जितने भी साथी हैं कितने लोग हैं? लगभग 20,000 लोग हम लोग हैं। 20,000 लोगों का काम जो है बाधित पड़ा हुआ है। बाधित पड़ा है, ठीक है। मानदेय भी नहीं मिलता होगा आपको? नहीं, हमारी एकमात्र एक सूत्री मांग है कि आप अपनी प्रीपेड स्कीम को लागू करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों का विभाग में समायोजन कीजिए आप। हम लोगों का न्यूनतम मानदेय तय कीजिए, हम लोगों का वर्क तय कीजिए, हम लोग उस पर खरा अगर नहीं उतरते हैं तो उसके बाद जो भी निर्णय लेना हो विभाग या गवर्नमेंट ले सकती है। बिजली विभाग में काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो इतने दिनों से काम करते हैं उनके लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए। आगे क्या निर्णय निकलता है सरकार द्वारा इनके पक्ष में वो तो आगे बताएंगे। तब तक के लिए बगहा से पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए मंजर आलम।